हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश वगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। गाइस, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हमने ओम्स लॉ को दोबारा से वेरीफाई किया था, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के लिए बेसिक रिलेशंस जो हैं वो हमने ड्राइव किए थे। चलिए, आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर एक टर्म है, देखिए, विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इस टॉपिक का नाम है। देखिए, करंट डेंसिटी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, कैपिटल जे से। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी, इसको डिफाइन अगर करने जाएं तो देखिए, करंट डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर represents the total amount of electric current, represents the total amount of electric current flowing पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसे कहा जाता है? करंट डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर? और ये बेसिकली क्या है? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखें तो ये J वेक्टर डॉट A वेक्टर आपको मिलती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, बिकॉज करंट डेंसिटी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और ये दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है। देयरफॉर I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा I बाय A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी एस आई यूनिट जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी, देखिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी की एस आई यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए है। आई को आप लिख सकते हैं एन ई ए वी डी डिवाइड बाय ए। आई को हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, क्लियर? और ए को लिख सकते हैं ए। तो NEAVD क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से अगर देखें तो ए से ए कैंसिल हो जाता है। जे की वैल्यू आपके पास बनती है गाइस NEAVD। जे की वैल्यू इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है NEAVD। ये होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर रिप्रेजेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक रिलेशन होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी कॉमा जे कॉमा कंडक्टिविटी।
सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई. रिलेशन होता है एक जे बिटवीन, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये जो रिलेशन होता है गाइस, ये होता है जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, इस रिलेशन को हम बोलते हैं जे इक्वल्स टू सिग्मा ई. ये रिलेशन कैसे आता है देख लीजिए. आइए हम डराइव करते हैं इसको. वी नो दैट I की वैल्यू होती है N E A V D, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन N E A V D. V D को आप लिख सकते हैं माइनस E E कैपिटल E tau by M. Therefore आपका I जो है वो यहां पर बन जाता है माइनस N स्क्वायर E कैपिटल E A tau by M. माइनस एन स्क्वायर ई कैपिटल ई, माइनस एन स्क्वायर ई, सॉरी एन स्क्वायर नहीं ई स्क्वायर. मैं भी यही देख रहा था कि कहां रिलेशन गड़बड़ हो रहा है. छोटा सा एन तो सिंगल ही है, ई पर स्क्वायर है, ई दो बार आ गया ना आपका, तो एन स्क्वायर ए टाउ. नाउ यहां से देखिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करने का मतलब क्या है, इग्नोर, इग्नोर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए. अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो देखिए आई का रिलेशन क्या बनता है यहां पर, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू ई. एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू ई. यहां से इस एरिया को आई के अपॉन में लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई. क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई. और यहां से देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम जो है वो आपका सिग्मा ही बनता है. हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया था. और I अपॉन A जो हो गया वो आपका हो गया J, तो ये रिलेशन बन जाता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E. हैंस प्रूव्ड, सिग्मा की वैल्यू होती है गाइस N E स्क्वायर टाउ बॉन M, जो ओम्स लॉ वेरीफाई किया था हमने विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां से सिग्मा का ये रिलेशन मिलता है हमें विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, एम ए स्क्वायर टाउ बाय एन ई स्क्वायर टाउ बाय M. तो इसी पूरे रिलेशन को हम सिग्मा कह सकते हैं. ये रिलेशन होता है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देख सकते हैं यहां, क्लियर. चलिए नेक्स्ट बात करें इसी के आगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके पास देखिए वो आता है मोबिलिटी. मोबिलिटी इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू. मोबिलिटी क्या होता है, एज वी नो, एज वी नो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड acquired by free electrons. Drift velocity acquired by free electrons inside the conductor is directly proportional to the applied electric field across the ends of the conductor, across the ends of the
कंडक्टर। क्या मतलब है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर ये आपका कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये आपका कंडक्टर है, इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो जितना ज़्यादा मैं हाई पोटेंशियल अप्लाई करूँगा उतनी ही हाई क्या हो जाएगी, कंडक्टर के एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। यहां से आप जितना ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो उतनी ही ज्यादा हो जाती है। क्लियर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई हो जाएगी तो यहां पर जो ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके, क्लियर, उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा और वो हाई स्पीड से क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे या ड्रिफ्ट करेंगे। तो जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतनी ही ज्यादा हाई स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज होगा, और ई इंक्रीज होगा एक्स तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? अब जब इस प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू। इस कांस्टेंट को कहा जाता है गाइस म्यू। तो यहां से आपका बेसिकली म्यू बन जाता है VD अपॉन E। म्यू क्या बन जाता है? VD अपॉन E, ठीक है। इस यहीं से मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन बनती है। तो मोबिलिटी क्या हो जाती है, देखिए इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय the free electrons, for the free electrons of any conductor, of any conductor per unit applied electric field, acquired per unit electric field is called mobility, is called mobility of free electrons, is called mobility of free electrons। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए गाइस, drift velocity acquired per unit electric field of any conductor is called mobility of free इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाय ई। ये मोबिलिटी का रिलेशन हो जाता है आपके पास। मोबिलिटी, मोबिलिटी बेसिकली क्या बताती है, मोबिलिटी की वैल्यू जितनी हायर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? और अगर मैं यहां पर बात करूं देखिए रिलेशन की, तो मोबिलिटी का रिलेशन करंट से भी डिफाइन किया जा सकता है। रिलेशन बिटवीन mobility and electric current, mobility और electric current का relation देखिए, VD की value क्या आई है यहां से आपके पास, mu into E। मोबिलिटी के फॉर्मूले से आप VD drift velocity को mu into E की terms में लिख सकते हैं, और we know that I is equal to N E A, VD होता है, VD की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा I is equals to N E A mu into E। VD की जगह अगर हम क्या करें, VD का रिलेशन पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, तो ये बन जाता है I is equals to N E A mu into E। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनी काइंड ऑफ चार। मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट में भी रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब देखिए, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी चार्जेस की उतनी ही ज्यादा उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके कंडक्टर में फ्लो
करवाई जाएगी. इज इट क्लियर? चलिए ऐसा यूनिट की बात करें मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी ऐसा यूनिट यहां से बन जाएगी म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाय ई. मोबिलिटी की एस आई यूनिट यहां से बनाई जाएगी एस इज इक्वल टू वी डी बाय ई. क्या हो जाएगा? वी डी मीटर पर सेकेंड इंटू न्यूटन पर सॉरी कूलम. तो म्यू हो गया बेसिकली मीटर इंटू कूलम पर न्यूटन इंटू सेकेंड. मीटर पर कूलम पर न्यूटन इंटू सेकेंड. और अगेन म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाय ई. तो वी डी तो मीटर पर सेकेंड ही होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मीटर वोल्ट पर मीटर भी होती है गाइस. क्या होती है? वोल्ट पर मीटर. तो यहां से म्यू की यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड भी लिखी जा सकती है. मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड. तो ये दोनों ही यूनिट्स हो जाती हैं एस आई यूनिट ऑफ मोबिलिटी. एस आई यूनिट ऑफ मोबिलिटी देख सकते हैं आप. चलिए देखिए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं हम यहां पर. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या कह रहा है. हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड सो दैट द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट should be equal to 1 ampere. क्वेश्चन यह है आपका. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड सो दैट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज 1 ampere. तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा. सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ही. I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. आई को आप एनी बाय टी भी लिख सकते हैं. टी की वैल्यू आपकी दे रखी है 1 सेकेंड. तो यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा एन इन टू ई. आई की वैल्यू भी गिवन है आपको. आई की वैल्यू गिवन है ना, कितनी है 1. तो यहां से एन क्या हो जाएगा बेसिकली 1/e. ई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 1.6 × 10⁻¹⁹ और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कुछ 6.25 × 10⁻¹⁸ आ जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹. देख लीजिए. चलिए नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द
द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन स्टेशनरी सर्क्यूलर ऑर्बिट. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग रेडियस 1.5×10⁻¹⁻ मीटर completes 6.8×10⁻²² revolutions per second. Find the amount of electric current. Find the amount of electric current flowing in the orbit. कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑर्बिट में फ्लो होगा, ये आपको यहां से कैलकुलेट करना है. तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर. इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आपका सॉल्यूशन. आई की वैल्यू अगेन क्यू बाय टी. आई को आप क्यू इंटू 1/T लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो रेवोल्यूशंस पर मिनट की बात हो रही है गाइस, किसकी बात हो रही है, रेवोल्यूशंस पर मिनट की जो यहां पर बात हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ही होता है. क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही होता है. क्यों होता है फ्रीक्वेंसी बताइए जरा. फ्रीक्वेंसी इस वजह से होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है साइकल्स कंप्लीट पर यूनिट टाइम और रेवोल्यूशंस कंप्लीट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में जितने साइकल्स या जितने रेवोल्यूशंस, ठीक है, आपकी बॉडी, ठीक है, सर्कुलर रोटेट करने वाली बॉडी कंप्लीट करती है, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. तो यहां पर बेसिकली 1/ टाइम पीरियड क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी. तो आप इसको Q×F लिख सकते हैं. चार्ज कितना है यहां पर, कौन इलेक्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6×10⁻¹⁹ हो जाएगा. और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है 6.8×10⁻². सिंपल, इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी. देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6.8 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. बेसिकली 10.8×10³ एम्पियर कुछ करंट की वैल्यू यहां पर मिलेगी. 10³ एम्पियर करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम. वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू मेक its length double, stretched to make length double as its initial length, then what will be the new resistance of wire, what will be the new resistance of wire.
ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कह रहा है, एक वायर है ठीक है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ, स्ट्रेच टू मेक, उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ, इट्स लेंथ डबल एज इट्स इनिशियल लेंथ, स्ट्रेच टू मेक डबल एज इट्स इनिशियल लेंथ, स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ डबल एज इट्स इनिशियल लेंथ, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादातर गलती कर जाते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये आपका वायर है, कुछ इस तरह से होगा ना वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ये इसकी लेंथ एल हो गई, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 5 ओम। अब आपने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वायर को स्ट्रेच कर दिया है, और स्ट्रेच करके इसकी जो लेंथ है वो इनिशियल से क्या कर दी गई है, जस्ट डबल कर दी गई है। इनिशियल से अगर आप डबल करेंगे इस लेंथ वायर को इस तरह से 2L, तो कर दिया हमने स्ट्रेच करके, ये हो गया। तो देखिए जब हम इस वायर को लेंथ स्ट्रेच करके इसकी लेंथ इनिशियल कर देते हैं तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, वायर पतला हो गया। वायर पतला होने का मतलब क्या है, अगर इसकी लेंथ डबल हो जाएगी तो क्या इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अनअफेक्ट रहेगा क्या? गाइस क्या कह रहा हूं मैं, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या वो अनअफेक्टेड रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनअफेक्टेड नहीं रहेगा। अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज करके स्ट्रेच करके डबल कर देते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो प्रीवियस का रिड्यूस होकर के हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर इस वायर का अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल। अब आप इस वायर का जो शेप है वो किसी भी तरह से क्या करिए, डिफॉर्म कर दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा ना वायर का वो अनअल्टर्ड रहता है। अगर आप वायर के शेप को चेंज कर देंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर भी इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, ए बाय टू इंटू टू एल। अगर आपने लेंथ डबल की है तो इसका एरिया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हाफ हो जाएगा, ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो ए इंटू एल का ए इंटू एल ही रहे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, वॉल्यूम रिमेन्स अनअल्टर्ड, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ वायर, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ वायर। इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस, क्लियर है, वायर का शेप चेंज करने से इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम पर आप इसकी लेंथ को रिड्यूस कर देंगे हाफ से तो एरिया दुगुना हो जाएगा, और अगर लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो एरिया उसी अमाउंट से, उसी प्रपोर्शन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस चीज के बारे में यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर। अगर आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नाउ अब देखिए, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, जिसकी वैल्यू थी रो एल अपॉन ए, क्योंकि लेंथ ए एल थी और एरिया ए, ये वैल्यू जो थी गाइस ये वैल्यू ही थी आपके पास में 5, तो ये 5 क्या हो गया, 5 को हम लिख देते हैं रो एल अपॉन ए, 5 को लिख दिया जाए रो एल बाय ए, इनिशियल रेजिस्टेंस, इसी के साथ फाइनल, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर डैश, नए रेजिस्टेंस में नई लेंथ पुट कीजिए, नई लेंथ आपकी हो गई एल टू एल, और एरिया हो जाएगा ए बाय टू, एरिया क्या हो जाएगा ए बाय टू। तो यहां पर देखिए क्या बनती है, नई लेंथ आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख दूं 4 रो एल अपॉन ए, 4 रो एल अपॉन ए दिखाई पड़ रहा है आपको, 4 रो एल अपॉन ए, तो यहां से आर डैश की वैल्यू हो जाती है 4 आर, क्योंकि रो एल बाई ए आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, रो एल बाई ए आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है आर, तो नया रेजिस्टेंस हो जाता है 4 आर,
और यहीं से 4R, तो यहीं से आप इसको लिख सकते हैं 4 × 5, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस जो वायर का हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ 20 ओम। न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा गाइस वायर का वो हो जाएगा 20 ओम। ये आपका सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, ये भी पूछ लिया जाता आपसे, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाता, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसी क्वेश्चन में, अबव क्वेश्चन में ही आपको ये पूछा जाता है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो देखिए, परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी परसेंटेज चेंज आपसे कभी भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है हमेशा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100%। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100%। इस रिलेशन को ध्यान में रखें हमेशा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू इंटू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100%। तो देखिए, अगर परसेंटेज चेंज हमें कैलकुलेट करना भी पड़े, तो न्यू वैल्यू क्या है आपकी 20, ओल्ड क्या थी 5, अपॉन 5 इंटू 100%। क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको? रिजल्ट मिल जाएगा गाइस 15/5 × 100%। ये हो गया कुछ 300% आंसर। परसेंटेज चेंज कितना परसेंट चेंज हो गया रेजिस्टेंस? 300%, क्योंकि 5 तो था ही, प्लस 5 5 5 थ्री टाइम्स और उसमें ऐड हो गया, तो कितना चेंज आ गया? 300% यहां पर चेंज आ गया। क्लियर? चलिए, आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह से पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर, ऑन दी टेम्परेचर राइज ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर राइज ऑफ द कंडक्टर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर राइज ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? देखिए, हमने बात की थी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पर, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस तरह से करता है, किस रीजन से करता है, उसकी चर्चा हम अभी यहां पर करने वाले हैं। क्लियर? आइए, देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए हमने एक रिलेशन डराइव किया था, ML अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, आपको याद होगा, बाय द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहां से रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास में रिलेशन क्या आया था? ML अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ।
अगर आप यहां देखें तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो टाउ के इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्या? बाकी सारी वैल्यूज को कांस्टेंट रख दिया मैंने, एम एल एन ई ए, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज आपकी कंडक्टर के लिए फिक्स रहती हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जो है आपका वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम हमने बात कर रखी है कि किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं करते हैं, एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो लगातार पॉजिटिव आयंस के साथ में, ठीक है, कोलाइड करते हुए चलते हैं। तो एक कोलिजन के बाद में दूसरा कोलिजन होने से पहले बीच में जो टाइम लगता है उसी टाइम को, उसी एवरेज टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए यहां पर कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, गाइस, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एनर्जी होगी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एक रिलेशन होता है ई इज इक्वल्स टू के टी, और एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज हुई तो एनर्जी से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स में लगने वाला टाइम माने रिलैक्सेशन टाइम क्या डिक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा ना। पहले मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट कोलाइड, यहां से यहां तक चलने में कुछ 2 सेकंड्स लग रहे थे, इसका मतलब एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन कितनी देर में हो रहा था, 2 सेकंड्स में हो रहा था। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम कम लगेगा, मतलब अब जो कोलिजन है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम कुछ 1 सेकंड रह जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? स्पीड बढ़ जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो हमने देखा है कि रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है गाइस वो श्योरली इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, श्योरली इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर बीच वाली टर्म्स को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो अगर हम टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को राइज करेंगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी श्योरली राइज होगा। यहां पर इस कंक्लूजन पर आते हैं हम कि अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, राइज होगा। क्लियर है? इन बीच वाले फैक्टर्स को मैं क्या किया, इग्नोर किया, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या आया, टेम्परेचर राइज तो रेजिस्टेंस भी राइज। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए रिलेशन देखते हैं इनके बीच में। सपोज कीजिए ये आपका कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर की कंडीशन ये है गाइस कि इनिशियल टेम्परेचर है इसका T0°C। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T0°C, और इस इनिशियल टेम्परेचर पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो R0 ओम है। T0°C पर रेजिस्टेंस क्या है, R0 ओम। हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं कुछ T1°C तक। टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं T1°C तक, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और बढ़कर हो जाएगा R1 ओम, क्योंकि रिलेशन हमने अभी देखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी श्योरली क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा। Therefore, now, from
वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं आप. इट इज फाउंड दैट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन जो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होगा. अगर हम उसकी बात करें रेजिस्टेंस में, पहला डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट. पहला इंक्रीमेंट वेरियस ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं हमें कि जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, डेल्टा आर का मतलब है इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गाइस इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के. अगर आपके कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा. सेकेंड चीज, सेकेंड फैक्टर, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज व्हाट? इट इज टेम्परेचर डिफरेंस, टी नॉट और टी वन माइनस टी जीरो. फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस है ये डेल्टा टी. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपका रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा आएगा. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा आपका रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा होगा गाइस. क्लियर? क्यों? देखिए, अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए किसी कंडक्टर का 0 डिग्री है और आपने उसको 50 डिग्री तक हीट किया है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 50 डिग्री. उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. अगर दोबारा से हम कंडक्टर को हीट करते हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है और हमने उसे 500 डिग्री तक क्या किया है, हीट किया है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी. तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डेल्टा टी पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनली, और चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है आर नॉट. नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी. डेल्टा आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट डेल्टा टी के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां एक कॉन्स्टेंट आएगा. ये जो कॉन्स्टेंट होगा ये होगा अल्फा. अल्फा अल्फा इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस. क्लियर? तो यहां से देखिए ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास डेल्टा आर के लिए, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी. टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी. टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी. यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट डेल्टा और आर नॉट तो कैंसिल हो गए, तो यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इनवर्स. तो अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर वन माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो टी वन माइनस टी जीरो. यह आपके पास अल्फा, अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है. टेम्परेचर कोफिशियंट की रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है. चलिए तो देखिए यहां से हमारे पास में अल्फा क्या आया, आर वन माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो डेल्टा टी. इसी को अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो आर वन माइनस आर जीरो
इज इक्वल टू अल्फा आर जीरो डेल्टा टी, ये बन जाता है आर वन माइनस आर जीरो इक्वल टू अल्फा आर जीरो डेल्टा टी। नाउ आर वन की वैल्यू हो जाती है आपके पास आर जीरो प्लस अल्फा आर जीरो डेल्टा टी, और आर वन हो जाता है आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल टेम्परे फाइनल रजिस्टेंस की इक्वेशन, इक्वेशन टू डिटरमाइन फाइनल रजिस्टेंस, इक्वेशन टू डिटरमाइन फाइनल रेजिस्टेंस, इक्वेशन टू डिटरमाइन फाइनल रेजिस्टेंस, आर वन इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब किसी कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस आपको पता है आर नॉट, और आपको यह पता है कि आप उस कंडक्टर को किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक हीट अप कर रहे हैं, मींस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। और अगर आपको अल्फा उस पर्टिकुलर मेटल का, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, अल्फा की वैल्यू मीडियम टू मीडियम नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम्स या अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर किसी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेल्टा टी टेम्परेचर तक कंडक्टर को हीट अप करने पर उसका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। यहां से क्लियर, इक्वेशन टू डिटरमाइन द फाइनल रेजिस्टेंस क्लियर। यहां से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, देखिए ग्राफ बिटवीन आर वन एंड डेल्टा टी के बीच में, ग्राफ बिटवीन आर वन, आर वन आपका क्या हो गया फाइनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। फाइनल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी जीरो का मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस जो है या इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो है, मतलब हमने कंडक्टर को हीट किया ही नहीं है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, जीरो, इसका मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर वही अभी आपका फाइनल टेम्परेचर है, आपने कंडक्टर को हीट नहीं किया है, तो उस टाइम पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं होता। ये किसके इक्वल होगा, वन प्लस जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो आर वन की वैल्यू आर नॉट के इक्वल आती है। सीधी सी बात है, अगर आपका इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है तो आपका फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस भी क्या होगा गाइस, सेम होगा, वरना उसके बाद आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए ग्राफ किस तरह से आएगा मेरे पास, डेल्टा टी और रेजिस्टेंस, ये आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ही लिखिए, इंक्रीज मत लिखिए, रेजिस्टेंस आर ओम। डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो है तो रेजिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा, उसके बाद में जैसे जैसे डेल्टा टी इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये वैल्यू कुछ आर ओ के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर ओ के इक्वल हो जाती है इनिशियल रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन टेम्परेचर या डेल्टा टी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनेगा गाइस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने से पहले क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू आपके पास में आर नॉट आती है। कैसे और कैसे, इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो भी आपको ये ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तब भी आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की जो स्लोप होती है वो अल्फा ही होती है, हमारी स्लोप जो होती है वो क्या हो जाएगी, अल्फा। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होगा, अल्फा। इस ग्राफ की स्लोप आपकी अल्फा ही होगी गाइस। तो ये जो सारा सिनेरियो होता है, ये होता है, ये बताता है हमें डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन राइज इन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर, देख लीजिए, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर है। तो आज के लिए यहां तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में, क्लियर गाइस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे।
ठीक है, और अपना प्यार जागृति क्लासिक के साथ में इसी प्रकार से बनाए रखिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।